पंजाब में मचे सियासी घमासान की करेंगे, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिद्धू और चन्नी के बीच पंजाब भवन में करीब दो घंटे लंबी बैठक खत्म हो गई है। चन्नी सिद्धू की बैठक में सुलह का फॉर्मूला तैयार होने की खबर भी सामने आ रही है। दोनों नेता फिलहाल निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सुलह का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सिद्धू की कुछ शर्तें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। सतेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतेंद्र, किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर असहमति की स्थिति अभी भी बरकरार है? चलिए अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे। चन्नी सिद्धू की बैठक में सुलह का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। अब सवाल यह है कि सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष पद से पंजाब के उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या अब इस्तीफा अपना वापस लेंगे वो? सिद्धू की कुछ शर्तें तो मान ली गई हैं, कुछ मुद्दों को लेकर तकरार जारी है। सतेंद्र जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, कौन से मुद्दे हैं जिस पर तकरार अभी भी जारी है? देखिए चित्रा, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि सिद्धू और चन्नी में सुलह हो गई है, लेकिन अंदर खाने की बात करें तो अभी सुलह नहीं हुई है, बल्कि एडवोकेट जनरल और पंजाब के डीजीपी को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को साफ कह दिया कि इनको बदला नहीं जाएगा। रही गुरु ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी बेअदबी के मामलों की बात, तो उसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि इन केसों के लिए मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर हम अपॉइंट कर लेंगे और अलग से इन केसों को दिखवा लेंगे। कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी अड़े हुए हैं कि डीजीपी और एडवोकेट जनरल और जो दागी मंत्री हैं जिनका बार बार नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं उनको हटाना ही होगा। फिलहाल हरीश चौधरी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं चंडीगढ़ आए हुए हैं, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अलग से बैठाकर भी एक पेपर पर सारे पॉइंट्स नोट किए हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान के साथ जाकर वो डिस्कस करेंगे और फिर उनको बताएंगे कि दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या है। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस की अंतर्कलह है उस पर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूर्ण विराम अभी तक नहीं लग पा रहा है और वो अंतर्कलह अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म या किसी न किसी शेप में लगातार जारी है। चित्रा, झुकेगा कौन जिन मुद्दों पर असहमति है उसको लेकर? सवाल दरअसल बार बार यही खड़ा होता है कि अब इस मुद्दे को सुलझाएगा कौन, क्योंकि जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमान को भेजा है, आलाकमान ने एक बार भी नवजोत सिंह सिद्धू से किसी तरह का संपर्क नहीं साधा है और शायद यही वजह थी कि नवजोत सिंह बैकफुट पर आए और सीधे चंडीगढ़ चले आए और चंडीगढ़ आकर चरणजीत सिंह चन्नी के साथ बातचीत का दौर भी शुरू किया, लेकिन इस बातचीत में निकला कुछ भी नहीं है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को ये लग रहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ना कहीं उनके दबाव के आगे, उनके प्रेशर के आगे झुक जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू का जो हाथ है वो कहीं ना कहीं ऊपर हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके उलट है। एक तरफ तो पार्टी आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को भाव नहीं दिया, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह का रुख अख्तियार किया है उन्होंने भी साफ कर दिया है कि पंजाब की सियासत को लेकर ये जो घमासान मचा हुआ है इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। सतेंद्र, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। हमने चन्नी की बात कर ली, हमने सिद्धू की बात कर ली, लेकिन पंजाब का सबसे बड़ा खिलाड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करेंगे, उन्हीं पर दिखाएंगे हमारे खास पेशकश। कैप्टन का अगला रुख क्या होगा, कहां जाने वाले हैं? बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस छोड़ रहे हैं, अब क्या होगा उनका अगला रुख, इसी पर दिखाएंगे हमारे खास पेशकश।